देखिए कल फतेह कदल में हुआ, फिर नवा कदल में हुआ, फिर नवा कदल में इंटीरियर हुआ, कल वातल कदल में हुआ, आज रात को यह गंदरपुरा ईदगाह में ऐसे वाकई नमूदार हुए। और ये एक बार नहीं, इससे पहले भी मुजाहिद मंजिल में भी आग लगी थी। फायर सर्विस अच्छी तरीके से काम करता है, मगर जदीद तरीन टेक्नोलॉजी फायर सर्विस के पास है नहीं, क्योंकि रिक्रूटमेंट नहीं हो रही है। जो फायर एमरजेंसी सर्विस में मुलाजिम काम करते हैं वो ओल्ड हैं, बहुत बुजुर्ग हो चुके हैं, ओवर एज भी नहीं कहूँगा मैं, मतलब बुजुर्ग हैं, नई रिक्रूटमेंट मेन पावर उनके पास है नहीं। और जो फायर सर्विस के पास टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, ये मुझे लगता है महाराजा हरी सिंह के वक्त की परचेज़ की हुई गाड़ियाँ हैं, और जो पाइप्स हैं वो भी वही है। समझ लीजिए, इस मकान को 10 लीटर पानी फेंकना है, 8 लीटर पहले ही पाइपों से गिर जाता है पानी, और ऑक्शन हुई गाड़ियाँ यूज़ कर रहे हैं। जदीद तरीन टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, और मेरी एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश रहेगी फायर एंड एमरजेंसी सर्विस की तरफ तवज्जो फरमाए, और जितने भी यहाँ स्ट्रक्चर्स और ये जितने भी फैमिली है शायर खास है, यहाँ पर एक एक मकान में 6-6 फैमिलियाँ रह रही है, गरीब आवाम की तरफ तवज्जो दीजिए। और LG साहब से मेरी गुजारिश है, इनको इस हारिश विंटर में सपोर्ट मिलना चाहिए, फाइनेंशियली मदद मिलनी चाहिए, और इनके लिए राशन, बिस्तरा, बर्तन वर्तन सब कुछ इनको, ताकि ये रोज़मर्रा ज़िंदगी अच्छी तरीके से गुजारें।